ECAT Mathematics F.Sc Part 2 Chapter Number 6 जो के है Conic Sections यानी उनमें हम Circles, Ellipse, Hyperbola और Parabola के ऊपर जो है वो discuss करते हैं तो आज हम जिन दो topics को discover करेंगे उसमें पहला topic है Terms Related to Standard Ellipse और second है Theorems on Ellipse और इन दोनों topics से related जो हमारे MCQ हैं जो कि हमें इन concepts को और समझने में आसानी करेंगे हम उन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी इसकी स्टेटमेंट यह है कि द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स विद मेजर एक्सिस लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड द सेंटर एट एच के इज यानी अगर हम एक इलिप्स को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें उसकी इक्वेशन को जबकि उसका मेजर एक्सिस जो है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस होना चाहिए यानी हमने ये बात पढ़ रखी है कि जो मेजर एक्सिस है उसके लिए हम ए यूज करते हैं अल्फाबेट और माइनर एक्सिस के लिए बी यूज करते हैं ठीक है अब मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है इसका मतलब कि जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी यानी अगर हम लिखें एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू वन ठीक है ये उस केस में जब सेंटर हमारा जो है वो ओरिजिन होता है ठीक है लेकिन अभी इस सिचुएशन में जब सेंटर एच और के पे होगा तो हम एक्स में से एच और y में से k का डिफरेंस लेकर फिर इनका स्क्वायर करेंगे अब ये इस टाइप की जो इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन ए में नहीं लिखी हुई क्योंकि देखें इधर मेजर एक्सिस जो है वो y एक्सिस को कहा जा रहा है इसलिए हम a जो है हमारे पास ऑप्शन उसको नहीं मार्क करेंगे b में मेजर एक्सिस अगेन जो है वो हमारे पास y एक्सिस है ये भी नहीं हो सकता c अगर देखें हम ऑप्शन तो उसमें भी मेजर एक्सिस जो है y एक्सिस ही है और जबकि d में देखें तो मेजर एक्सिस x एक्सिस और फिर बिल्कुल उसी रूल से कि x में से h माइनस किया जा रहा है उसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस y में से k का डिफरेंस और उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर और इक्वल टू 1 तो ये जो d ऑप्शन है ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ जो इलिप्स है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब है जिसमें सेंटर जो है वो एच के जो है वो शो हो रहा है यानी उसका x एक्सिस x कोऑर्डिनेट जो है सेंटर का वो है h है और y कोऑर्डिनेट की है जो कि यहाँ पर नज़र भी आ रहा है हमें वाकई जो है वो इस बात को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है सेकेंड एम सी क्यू सॉल्व करते हैं इसकी स्टेटमेंट ये है कि फोसाई ऑफ द इलिप्स जिसमें कि x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर लिखा है प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1 r अब फोसाई जो होते हैं वो मेजर एक्सिस पर होते हैं ठीक है चूँकि हमें पता चल गया कि मेजर एक्सिस जो है इस इलिप्स का वो x एक्सिस है चूँकि मेजर एक्सिस जो जिसके लिए हम यूज़ करते हैं ए यूज़ करते हैं मेजर एक्सिस के लिए ठीक है मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है हमारे पास वो 2a होती है ठीक है तो यहाँ से हमें बात पता चल रही है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होते हैं उनके वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो होते हैं ठीक है तो वाई कोऑर्डिनेट अगर आप देखें तो ना ऑप्शन बी में और ना ही सी में लिखा हुआ है ज़ीरो सिर्फ ए में लिखा हुआ है ठीक है और फोसाई की बात हो रही है तो फिर हम ये कहेंगे कि ऑप्शन जो ए हमारा वो यहाँ पे बेस्ट है और इसको भी हम समझ भी सकते हैं अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर मैं एक इलिप्स की यहाँ पर फॉर्मेशन करूँ ठीक है जिसमें कि मैं इसको इस तरह से बना सकता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये मेरे पास वाई एक्सिस है ये मेरे पास एक्स एक्सिस है ठीक है अब मैं यहाँ पर एक फ़र्ज़ करें एक पॉइंट ले लेता हूँ जो कि फिक्स्ड पॉइंट फोकस है और ये भी यहाँ पर एफ हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट फोकस है ठीक है अब हम इस तरह से करते हैं कि एक डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन इधर ड्रॉ करते हैं ठीक है इस फोकस से मतलब इक्वल डिस्टेंस पर ठीक है और यहाँ से भी इस साइड पर ठीक है अब हम इस तरह से करेंगे कि जैसे हम पैराबोला ड्रॉ करते थे उसमें हम ये कहते थे कि जो फोकस का जो डिस्टेंस है यहाँ से इस लाइन से ठीक है यानी अगर मैं इसको अब कंस्ट्रक्ट करना शुरू करता हूँ ठीक है इस तरीके से इसका फेस बनेगा इस तरह से इलिप्स का फेस बनेगा ठीक है यहाँ पर इस तरह से पहले मैं इसको बना देता हूँ फिर मैं आपको इसकी फॉर्मेशन का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये किस तरह से फॉर्म हुआ है ठीक है ये हमारे पास फोकस वन आप समझ लें ये फोसाई है मतलब इसके ठीक है अब अगर आप ये देखें कि जो पॉइंट इस इलिप्स का आ रहा है ठीक है अगर इसका डिस्टेंस एफ से लिया जाए और इसी पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से अगर इस लाइन से लिया जाए तो ये इसकी सेंट्रिसिटी जो होगी जो रेशियो होगी वो लेस देन वन आएगी ठीक है ये वन से क्या होनी चाहिए लेस होनी चाहिए नज़र भी आ रहा है कि आप जब पी एफ डिस्टेंस को पी एम से डिवाइड करें उनका आंसर वन से लेस आएगा इसी तरह
यहाँ पे जब पॉइंट होगा जैसे क्यू है, उसका अगर एफ से डिस्टेंस दिया जा रहा है तो वो कम होना चाहिए इस डिस्टेंस से जो कि क्यू का इस डायरेक्ट्रिक्स से लिया जा रहा है जो कि यहाँ पर कोई एन पॉइंट है। तो इस तरीके से ये हमारे पास जब एलिप्स बनता है, इसके जो फोसाए हैं, इसके जो मतलब ये अगर ओरिजिन से लेफ्ट पे है तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, ठीक है, माइनस सी जीरो इसके कोऑर्डिनेट होगे, और यहाँ पे पॉजिटिव सी और जीरो इसके कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये हमें बात पता चल जाती है कि हमारे पास जो इसके फोसाए के वर्टिसेस हैं वो क्या बनते हैं, प्लस माइनस सी कम्बाइंड फॉर्म में लिखा हुआ है, और जिसके इसका ऑर्डिनेट जो है वो जीरो होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट है कि इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ऑफ एलिप्स, जो कि इसकी इक्वेशन जो एलिप्स की वो है एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इक्वल टू 1। अब इसमें हमें पता चल रहा है कि मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस होगी वो एक्स इक्वल टू होगी जी प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, ठीक है, ई स्क्वायर, जबकि e की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है c डिवाइडेड बाय a, ठीक है। तो अब हम ये जान सकते हैं कि यहाँ पर ये a स्क्वायर जो है वो 16 है, ये a स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, b स्क्वायर। तो अब c जो है हम जो बाय फार्मूला हमने इस बात को स्टडी किया हुआ है कि वो इक्वल टू होता है जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के स्क्वायर रूट के इक्वल। तो यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू 16 और b स्क्वायर की 4 पुट करके अगर हम 16 और 4 का डिफरेंस नहीं तो 12 आता है, और इसको अगर फैक्टराइज कर लें 12 को तो ये 4 इंटू 3 लिखा जाएगा, और 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 2 बन जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर इंटू अंडर रूट 3 आ जाएगा। ये सी है, ठीक है, और ए ऑलरेडी हम जानते हैं कि वो कितना है, 4 है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 है। तो यहाँ पर जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, यानी हम रिवर्स इंजीनियरिंग भी अगर अप्लाई करें तो देखें ऑप्शन जो बी और सी है वो नहीं बन रहे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ बल्कि अगर आप फर्स्ट ऑप्शन भी देखें तो ए ओवर ई लिखा हुआ, जबकि यहाँ पर उनकी वैल्यूज बताई गई हैं। ऑप्शन डी बनता है, लेकिन हम इसे कंफर्म कर रहे हैं कि वाकई ये दुरुस्त लिखा हुआ है या इसमें कोई करेक्शन करनी है, ठीक है। तो देखें सी सी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, वो हमारे पास कितनी आ गई थी जी, 2 टाइम्स अंडर रूट 3, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस 2 टाइम अंडर रूट 3 लिख देंगे सी की जगह, डिवाइडेड बाय ई, ई की वैल्यू जो है वो सी ओवर ए है, यानी इसी वैल्यू को 2 ओवर अंडर रूट 3, ये सी की वैल्यू ओवर ए की वैल्यू है 4, इस तरह से लिख कर इसका स्क्वायर कर देंगे हम। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है नंबर ये तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है, और इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, ठीक है, ये 2 स्क्वायर ऊपर शिफ्ट होके 4 हो जाएगा, जबकि नीचे अंडर रूट 3 का स्क्वायर जो है वो 2 दफ़ा मतलब अंडर रूट 3 लिखा जाएगा। तो एक अंडर रूट 3 को हम न्यूमरेटर के अंडर रूट 3 से कैंसिल कर देंगे, जबकि 4 और 2 8 मल्टीप्लाई 4 और 2 मल्टीप्लाई के 8 हो जाएंगे ओवर अंडर रूट 3। तो ये हमारा जो है जवाब होगा कि x इक्वल टू पॉजिटिव 8 ओवर अंडर रूट 3 जो कि राइट साइड पे होगी लाइन डायरेक्ट्रिक्स की, और x इक्वल टू माइनस 8 ओवर अंडर रूट 3 जो कि लेफ्ट साइड पे होगी डायरेक्ट्रिक्स की लाइन, और इसकी ये इक्वेशन है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन डी जो है यहाँ पे ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा और हम इसे मार्क कर देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट इस तरह से है कि द एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इक्वेशन जो कि है 2x स्क्वायर प्लस 5 टाइम y स्क्वायर इक्वल टू 1 इज, अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है एलिप्स की इक्वेशन है जो कि अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई, लेकिन हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं ऐसे कि हम इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है उसे 1 बनाते हैं, यानी इसको 2 से इस 2 को जो है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं जो कि फिर 1 ओवर 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 ओवर 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे प्लस जो हमारे पास है वाई स्क्वायर, इसके अभी जो डिवाइज़र है यानी 5 को ख़त्म करने के लिए 5 से मतलब इसके डिनोमिनेटर को जो है यहाँ पे यानी 5 से मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें, तो ये 5 इस 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 ओवर 5 आ जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 ओवर 5 ही लिख रहा हूँ, 1 ओवर 5 और ये इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर जो a है हमारे पास वो है इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होती है वो 1 ओवर 2 है, और 1 ओवर 5 उससे छोटी वैल्यू, इसका मतलब मेजर एक्सिस जो है इस एलिप्स का वो x एक्सिस है, ठीक है जी,
यहाँ पर ये हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है और ये हमें जो वैल्यू मिल रही है यहाँ से ये बी स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है। अब हम जानते हैं कि सेंट्रिसिटी जो ई होती है इलिप्स के केस में तो लेस देन वन होती है और इसकी जो इसका फार्मूला वो सी ओवर जो है वो ए के बराबर होता है। ठीक है, यानी इसको अभी हम यहाँ पर चेक करते हैं। अब इन वैल्यूज़ को हमने पुट करना है सिर्फ सी। अब सी कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, हमने इसका भी फार्मूला ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। जब हमने डिराइव किया था रिलेशन इलिप्स के लिए तो उसमें हमने देखा था कि सी इक्वल टू आ गया था स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अब ए स्क्वायर हमारे पास इस केस में 1/2 है और बी स्क्वायर 1/5 है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं ताकि हमें ए की डिवाइज़र मिल जाए जो कि 10 है। अब हमें बताया कि 2 को 10 कैसे बनाया जा सकता है, 5 से मल्टीप्लाई कर, तो उसके न्यूमिरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा। 5 को जो है वो 10 कैसे बनाया जाए, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो उसके डिनोमिनेटर को और न्यूमिरेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये 5 में से 2 का डिफरेंस 3 होता है, ये बेसिकली 3/10 लिखा हुआ है। ठीक है, ये सी की वैल्यू है जबकि ए की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, अब बल्कि सॉरी, ए की वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर अगर 1/2 है तो फिर ए किसके इक्वल होगा, ए इक्वल होगा 1/√2 के इक्वल। ठीक है, अब इस फार्मूला में इन वैल्यूज को अगर हम लिखें दर्ज करें तो सी की जगह 3/10 आ जाएगा जबकि डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 1/√2, जो कि डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो रेसिप्रोकल लिखेंगे 1/√2 का, तो ये √2 आ जाएगा। अब तीनों ही नंबर्स एक ही एक्सपोनेंट के अंदर हैं, तो हम एक ही एक्सपोनेंट के अंदर लिख सकते हैं 3 × 2/10। ठीक है, तो देखें ये जो नंबर है हमारे पास 10, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम 10, हमारा आंसर आ जाएगा √3/5। तो ये बेसिकली एसेंट्रिसिटी है इस इलिप्स की जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखी है, बी ऑप्शन। तो ये हमारा फिर ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे वो बेस्ट ऑप्शन होगा और हम इसे मार्क कर देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट इस तरह से कि इन इलिप्स द रिलेशन बिटवीन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज, यानी इनमें से कौन सा रिलेशन इलिप्स के लिए हमने रखा था या हो सकता है। चले फर्ज कर लेते हैं हम कि ए जो है हमारे पास उसे हम रख लेते हैं 3। ठीक है, बी को रख लेते हैं 2। ठीक है, और फिर देखते हैं कि सी की क्या वैल्यू आती है और फिर एसेंट्रिसिटी जो है वो किस केस में लेस देन 1 आती है। ठीक है, चूंकि इलिप्स की एसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है जो कि C/A के बराबर है, C/A के, तो सी की वैल्यू फर्स्ट रिलेशन से अगर हम निकालें, देखें यहाँ से सी स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है जी, सी स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है ए स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर जो कि 4 है, 9 - 4 ये आ गया 5, तो c इक्वल टू आ जाएगा √5। ठीक है, यहाँ से c की वैल्यू आ गई √5। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर c की वैल्यू पुट करें √5 और a की जगह इसकी वैल्यू पुट करें 3, तो क्या ये आंसर हमारा लेस देन 1 आता है। इसको हम अब कैलकुलेटर पे चेक करते हैं जी। आप देख सकते हैं √5 या आ गया √5 की वैल्यू और इसको हम डिवाइड करें 3 से, तो देखें लेस देन जो है 1 आया आंसर, 0.75 मतलब 1 से लेस आया, इस केस में 1 से लेस आया। ठीक है, इसका मतलब ए ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बी पे देखते हैं कि बी से सी स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है। यहाँ से अगर सी स्क्वायर साइड पे मूव किया जाए, ठीक है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर सी स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या आएगी, अब देखें बी की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 में से 9 माइनस करें तो -5 आ रही, जो कि इम्पॉसिबल है, इसलिए हम इसको तो कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये रिलेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे चले जाते हैं, यहाँ से अगर हम देखें तो c इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, a का स्क्वायर मतलब 9 और b का स्क्वायर 4, √13 आ गया। ठीक है, और अब इस फार्मूला में e इक्वल टू C/A में इसको अगर पुट करें, √13 को अगर हम a से जो कि 3 है अगर इसे डिवाइड करें, देखें हमारा क्या आंसर आता है। चलिए इसको हम चेक करते हैं अब जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं √13 की क्या वैल्यू है। ये आ गया जी √13 और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से तो हमारा आंसर 1 से ग्रेटर आता है, जो कि इलिप्स की प्रॉपर्टी नहीं है कि इसकी सेंट्रिसिटी जो है 1 से ग्रेटर हो। इसका मतलब कि जो ऑप्शन ए है हमारा
रिवर्स इंजीनियरिंग से हमने मेथड से देखा कि ऑप्शन ए ही हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है और हम इसको फिर मार्क कर देंगे कि यही हमारा फाइनल आंसर है।